हेलो एवरीवन, मैं सुनीता आईसीएस एलनाबाद। मैंने 1.5 साल लगातार पढ़ाई की है। देखो मैं ना 2019 में मैंने फॉर्म अप्लाई किया और 2022 में मैं 2 नंबर से रह गई। कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो गया और मेरे बेबी छोटा था इस वजह से। उसके बाद जैसे हमारी 60 पे कट ऑफ लगी तो मैंने ये, मेरे 58 नंबर थे, तो मैंने ये सोच लिया कि मैं, मुझे 60+ जाना है। तो मैंने मतलब लगातार 1.5 साल कोशिश करती रही और अब मेरे 65 नंबर आए और हमारी जो कट ऑफ लगी है 50 पे लगी है। और ना उस पर उसमें भी ना देखो मेरे को ना डबल एफर्ट्स करना पड़ा। जैसे हमारी फर्स्ट लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं था तो मेरे को बहुत बुरा लगा जैसे। तो फिर हमने बहुत आगे एफर्ट किए, वहाँ धरना भी दिया, तो उसके बाद हमारी सुनवाई करी खट्टर सरकार ने। और फिर सेकंड लिस्ट में जैसे मेरा नाम आया तो मैम मेरे से तो बोला ही नहीं गया, मैं पापा को बताते बताते रोने ही लग गई। तो हाँ जी मैम, तो मम्मी भी मेरे साथ आए हैं आज। तो हाँ जी, तो मैम खेती करते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, पहली नौकरी है। और आपको भी यही कहेंगे कि जैसे हमने मेहनत करी है, आप भी ना मतलब पढ़ते ही रहो, लगातार पढ़ते रहो, बस बीच में स्टॉप मत करो। अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो जैसे हम लगे आप भी एक दिन ज़रूर लगोगे। और जैसे मैं मतलब ठीक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मी पापा ने बहुत एफर्ट्स करे हैं, खेती करते थे। मतलब एक टाइम ऐसा होता था कि फीस भी मुश्किल थी। मेरा भाई नया नया ITI करके आया और ना उसने जैसे 2-2.5 हज़ार रुपये उसको मिलते थे और मेरी 3 हज़ार रुपये कॉलेज में फ़ीस होती थी, तो वो सारी मुझे दे देता था। और उसके बाद अच्छे घर में मैरिज हो गई, मेरे हस्बैंड का मेडिकल है तो उन्होंने मतलब बहुत साथ दिया मेरा। मेरे छोटे छोटे मैडम 2 बच्चे हैं, 6 साल की बेटी, 1 3 साल की, तो मैं उनको ना बस 1 साल की छोड़ के निकल गई। तो सास ने भी बहुत हेल्प की और हस्बैंड ने भी। तो आज आपके सामने यह रिजल्ट, तो लगे रहो सभी, थैंक यू। आओ, ये भी MPHW में लगी है और इनकी मम्मी यहाँ पर आई है, आ जाओ। वहां पर तो आपने मेरे साथ बहुत की थी शरारत। अरे अरे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, आप ये लो, खाओ खाओ, अरे खाओ 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 और खाओ। 55,000 पे सैलरी, ये लो खाओ। तुम्हारा बच्चा भी था क्या? नहीं था। चलिए एक घड़ी दे दो भाई। घड़ी देने वाला कौन है यहाँ पर, स्टाफ का मेंबर? जिसको जो घड़ी मिलेगी वही जो लेके जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। थोड़ी आप भी आगे आ जाओ, तालियां जोरदार बजाओ, बहुत बढ़िया।